फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता चौहान। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बड़ा बवाल देखा गया। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। दरअसल ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि छात्र विधायक हनुमान बेनीवाल पर हमले का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद छात्रों ने भी आव न देखा ताव पुलिस पर बरसा दिए जमकर पत्थर। दरअसल छात्र आक्रोश रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस रोक रही थी, लेकिन छात्रों का हंगामा बढ़ता देख पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और छात्र घायल भी हुए। यही नहीं, छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। वहीं एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। इस मामले में 40 से ज्यादा छात्र हिरासत लिए। हनुमान जी बेनीवाल पे जो हमला हुआ, उसके हमलावरों की जो है अभी तक किसी प्रकार से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण यहाँ आज राजस्थान विश्वविद्यालय में आम छात्र जो हनुमान जी पे हमला हुआ, उन हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज कमिश्नर साहब के सम्मुख हम एक ज्ञापन लेके जाएंगे, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, जो भी व्यक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय या आमजन से जुड़ा हो। और साथ ही जो हमलावर थे जिन्होंने इस प्रकार की कायराना हरकत की, उसके विरोध में हम उन हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस विधायक हनुमान बेनीवाल का कहना है कि छात्र लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने बेदर्दी से छात्रों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर की गोलियां चलाई। वहीं दौसा के लालसोट से राजपा विधायक किरोड़ी लाल मीणा, राज छात्र नेता नरेश मीणा समेत कई मीणा छात्र नेताओं को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जानबूझकर और पूर्व नियोजित तरीके से छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। अब इस मुद्दे पर छात्रों ने सूबे के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बंद करने का आह्वान किया है। इस बंद का समर्थन हनुमान बेनीवाल के साथ एनएसयूआई किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी मीणा सेना ने भी किया। और कईयों के सर के अंदर गंभीर चोटें आई है, और पुलिस ने ही बाद में जो छात्रों के वाहन थे उनको लाठियों से पुलिस ने तोड़ा, रबड़ की गोलियां चलाई, आंसू गैस के घोड़े छोड़े। राजस्थान का जवान इस हमले को दूसरे रूप में देख रहा था कि भाई जब हमारे विधायक सुरक्षित नहीं, राजस्थान के अंदर जो जवान की आवाज उठाते हैं, राजस्थान सरकार के सामने विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, अगर वो लोग सुरक्षित नहीं है कमिश्नरेट के अंदर, जयपुर के अंदर, तो आम आदमी क्या सुरक्षित होगा। सर पर चोटें मारी, वो मारनी नहीं चाहिए, और प्रबल लाठीचार्ज किया है। दर्जनों छात्र और जवान घायल जो अस्पताल में भर्ती हैं, वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया पुलिस ने इतना बड़बड़ लाठीचार्ज क्यों किया। वहीं इस मामले में पुलिस की माने तो छात्र हनुमान बेनीवाल पर हमले के आरोपियों को पकड़ने की मांग करते हुए रोड की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। इस पर छात्र उग्र हो गए, पुलिस से हाथापाई करने लगे। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों के साथ आरयू परिसर में खड़ी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा और जमकर तोड़फोड़ की। समझाइश के बाद भी छात्र नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दरमियान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने हमला कर रहे छात्रों को भी गिरफ्तार कर लिया है, और इन्होंने जबरदस्ती जाने का प्रयास किया। पुलिस ने कम से कम उनको आधा पौन घंटे तक जो है समझाइश करते रहे, धक्के मुक्के देकर रोकते, नहीं रोके। यूनिवर्सिटी गेट को उन्होंने खोल दिया, इसके बाद पथराव किया, उन्होंने पत्थर कर दिए, उन्होंने जो इनको जो है हल्का फुल्का बल प्रयोग करके बाहर तिधर भीतर किया। अभी किस किस के चोटें आई है, कौन सा वाहन के कहां टूटे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, एक बार हम पुलिस को टहल कर ले। आरपीए में जयपुर पुलिस रेंज की मीटिंग हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों से क्राइम समीक्षा कर रहे गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अपराधों में 5% की कमी आई है। मीटिंग में जहां सभी जिलों के एसपी और एडिशनल एसपी ने अपने अपने जिलों की क्राइम रिपोर्ट जयपुर रेंज के आईजी और गृहमंत्री के सामने पेश की, वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। वहीं आनंदपाल फरारी मामले पर कटारिया ने कहा कि पुलिस तंत्र अपना काम बखूबी कर रहा है, आनंदपाल को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गृहमंत्री ने कहा कि बचाव की जरूरत आनंदपाल को है और उसे ही सोचना होगा कि वो कहां छिपे, वो जहां भी छिपा होगा पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। कि मैं 6 रेंज करके आज 7वीं रेंज को कर रहा हूं, केवल जयपुर कमिश्नरेट बाकी राज इसको मैं 7 तारीख को करूंगा। हर एक रेंज में सुधार ही सुधार मुझे आगे से आगे मिलता गया। आज यहां तो मुझे ज्यादा संतोष हुआ, क्योंकि स्टेट का क्राइम 8 महीनों में 5 हुआ है, लेकिन ये पहली 8 महीने हैं जब स्टेट का क्राइम भी आंकड़ों के हिसाब से -5 हुआ और यहाँ आंकड़ों के हिसाब से -10 हुआ।
महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान का जो इन 8 महीनों का अपराध है वो 11% माइनस हुआ है और यहाँ का लगभग 12% माइनस हुआ है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में राज्य का जो है अपराध माइनस 12 घटा है, यहाँ माइनस 14 घटा है। राजस्थान पर आतंकी संगठन आईएस की नापाक नजर है। आईएस राजस्थान पर हमले का प्लान बना रहा है। आईएस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दशहरा और दीपावली पर धमाका कर सकता है। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया है। आपको बता दें कि इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो भी हाई अलर्ट के निर्देश दे चुका है। 20 आतंकी राजस्थान पर हमला कर सकते हैं, ये कहा गया है खुफिया एजेंसियों की तरफ से। पर्वतसर में गैंगस्टर अनंतपाल की फरारी के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने आरोपियों को एसी जेम कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 12 दिन के रिमांड की अवधि पूरी होने पर निलंबित पुलिस कमांडो शक्ति सिंह, केसर सिंह, निर्मल सिंह और महेंद्र सिंह को जेल भेजने के आदेश दिए। वहीं मंगलवार को गिरफ्तार किए गए धर्मेंद्र चौधरी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सवाईमाधोपुर दौरे की। सीएम अपने 3 दिनों के दौरे के लिए बुधवार से सवाई माधोपुर में हैं। जिले में पहुंचने के बाद सीधे मोगिया बच्चों के छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने मोगिया जाति के बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग सहित ढेर सारी कलाकृतियों को देखा, साथ ही बच्चों से कई सवाल भी पूछे। इसके बाद मुख्यमंत्री विकलांग संस्थान पहुंचे, जहां मंदबुद्धि बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सीएम ने मानटाउन क्लब में आजीविका एवं कौशल विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। और ट्रेनिंग में मेरे को इतना नहीं देना है, मेरे को इनका नेचुरल आर्ट जो है उसको निकालना है। एक दफा आप ट्रेन कर दोगे तो जो मैं ट्रेनिंग देती हूँ मेरे हिसाब से बच्चा नहीं चलना चाहिए, तो इनका इंस्टिंक्ट है उससे चलना चाहिए। यू हैव टू हैव आर्ट कॉम्पिटिशन, इन लोगों के बीच में आप देखोगे कि ढीलों में है और आपके जो मैंने मेरे पास है अभी जोगी में है और मीनों में है, इन लोगों में भी होगा, आप निकालो। राज्य सरकार ने जलदाय विभाग में तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। विभाग में 15 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा था, यानी अब जलदाय विभाग में 15 अक्टूबर तक तबादले हो सकेंगे। आपको बता दें कि पहले भी 30 सितंबर तक ये प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन महज 5 दिन के लिए। इस प्रतिबंध की अवधि बहुत कम थी, जिसके चलते इसे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मंत्री किरण माहेश्वरी ने भेजा था। बहरहाल सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। अब विभाग में आगामी 15 अक्टूबर तक अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन और शहरी विकास को लेकर जयपुर के स्वायत्त शासन भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पार्षदों ने शहर के विकास को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव मनदीप सिंह और महापौर निर्मल नाहटा की मौजूदगी में पार्षदों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कार्यशाला में बीजेपी पार्षद अशोक गर्ग ने अपनी वार्ड की समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में नगर निगम का एक आश्रय स्थल कई सालों से बदहाल पड़ा है, जिसमें वेश्यावृत्ति चल रही है। इस दौरान कई पार्षदों ने परकोटे में बसों के संचालन पर बैन लगाने की मांग भी रखी। जयपुर विकास प्राधिकरण की 6 आवासीय योजनाओं के 5,266 भूखंडों के लिए बुधवार को नागरिक सेवा केंद्र में लॉटरी निकाली गई। जेडीए सचिव पवन अरोड़ा ने रैंडम पद्धति से इन योजनाओं की लॉटरी निकाली। दरअसल जेडीए ने जोन 12 और 14 में सूर्यनगर ए, रोहिणी एनक्लेव, अभिनव विहार विस्तार, उदय विहार, गगन विहार, देव विहार में कुल 5,266 भूखंडों के लिए आवेदन मांगे थे। इन योजनाओं के लिए 19,299 आवेदन पत्र आए थे। लॉटरी के सफल आवेदकों को अपने दस्तावेज 23 अक्टूबर तक संबंधित जोन कार्यालय में जमा कराने होंगे, नहीं तो उनके आवेदन और आवंटन निरस्त करा दिए जाएंगे। सूबे के किसानों के लिए अच्छी खबर है। रबी की फसल के लिए किसानों को 2 शिफ्टों में 13.5 घंटे बिजली दी जाएगी। ये बिजली खेती के लिए दी जाएगी, ये जानकारी ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने जयपुर में दिए एक बयान में कही। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से डिस्कॉम ने बिना रुकावट तक ही सुबह 6.5 घंटे और रात को 7 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाएगी, ताकि रबी की फसल की सिंचाई में परेशानी न हो। इसके साथ ही डिस्कॉम 15 नवंबर तक 40,000 कृषि कनेक्शन भी जारी करेगा। 31 अक्टूबर तक जितने भी हमारे जो कनेक्शन जो पेंडिंग थे उसके हमने डिमांड नोटिस जारी कर दिया, डिमांड भर भी गए
और 15 नवंबर तक हम राजस्थान में लगभग 40,000 कनेक्शन जो जनरल कैटेगरी के हैं उसको हम किसानों को पूरा करके हम इनको दे देंगे। बिजली मैं आपको विश्वास देता हूँ कि मतलब 1 नवंबर से हम ये 7 घंटे और 6.5 घंटे का जो ब्लॉक है, सुबह का ब्लॉक आपके जो 6.5 घंटे का है, रात का ब्लॉक 7 घंटे का है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में अनइंटरप्टेड हम बिजली आने वाले 1 नवंबर से हम उनको रबी फसल के लिए हम देंगे। बिजली की कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी। सूबे में समर्थन मूल्य पर विकेंद्रीकृत खरीद व्यवस्था का विस्तार करने के निर्देश सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव दीपक उत्प्रेती ने दे दिए हैं। राजफेड की वार्षिक साधारण सभा को संबोधित करते हुए प्रमुख शासन सचिव ने राज्य सरकार सहित सदस्य संस्थाओं को 10% लाभांश देने की घोषणा करते हुए बताया कि साल 2014-15 में राजफेड के लाभ में लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सभा में उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2016-17 में 403 करोड़ 30 लाख रूपये से 98,500 टन कृषि जींसों की खरीद की कार्य योजना तैयार की गई है। सहकारी समितियां हैं उनके अध्यक्ष आए थे और जो वार्षिक लेखे होते हैं उनका अनुमोदन किया जाता है और अगले साल का जो बिजनेस प्लान होता है उसको डिस्कस किया जाता है। तो उनके जितने भी अध्यक्ष होते हैं उनके कुछ ना कुछ सुझाव होते हैं, उनकी कुछ परेशानियां होती हैं, वो इस मीटिंग में वो रखते हैं। अजमेर नगर निगम में हाउस टैक्स, अर्बन डेवलपमेंट टैक्स, शॉप रेंट और लीज रेंट सहित डिटेल अब ऑनलाइन जमा होने शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ही स्लैब मशीन भी निगम में लगने जा रही है। बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंकों में निगम का ऑनलाइन टैक्स जमा हो सकेगा। इसके लिए निगम प्रशासन ने सभी डाटा बैंकों को उपलब्ध करा दिया है, यानी कि जिन लोगों की संपत्ति अजमेर में है लेकिन वो जिले या फिर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को ऑनलाइन टैक्स जमा करने से फायदा मिलेगा। अजमेर शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम अजमेर और रेल प्रशासन के बीच एमओयू करार हुआ है, जिसके तहत रेलवे के अधीन आने वाले क्षेत्रों के कचरा निस्तारण के लिए अजमेर नगर निगम सहयोग करेगा। मंडल रेल कार्यालय में आयोजित बैठक में ये एमओयू हुआ है, जिसके तहत रेलवे कॉलोनी और उसके भूभाग के नालों की सफाई और उससे निकलने वाले कचरे का निस्तारण अब अजमेर नगर निगम करेगा। इसके लिए रेलवे नगर निगम को तय शुल्क अदा करेगा। सूरतगढ़ में बीएसएफ जवानों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 7 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 62 पर तिपेरन गांव के पास यह हादसा हुआ। जवानों से भरा यह ट्रक नगर से बसंतपुर जा रहा था, तभी सामने से आ रही चवेरा गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। खबर है कि घायल जवानों में से 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें श्रीगंगानगर के अस्पताल में रेफर किया गया है। भीलवाड़ा एसीबी ने कासोरिया गांव के पटवारी को 1200 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि रिश्वत पीड़ित से रजिस्ट्री कराने की एवज में ली गई। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने पटवारी हरदेव को रंगे हाथों यानी पीड़ित से 1200 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में एक महिला ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना जाटौली गांव की है, जहां एक नवविवाहिता ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। 90% घुसी महिला को गांव वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला मीना अपने ससुराल गांव बसैया से अपने पीहा जाटौली आई थी, जहां उसने खुदकुशी की। लोगों की माने तो महिला की मानसिक स्थिति सही नहीं। भरतपुर में एक भाई ही अपने भाई का दुश्मन बन बैठा। वाकया भरतपुर में चिकसाना थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गांव नौ बछामदी में एक बड़े भाई ने अपने लड़कों के साथ मिलकर छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव वालों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ित का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राज्य सरकार जहां एक तरफ सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन धौलपुर के अस्पताल में एक ही बेड पर 2 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहीं जमीन और पेड़ों के नीचे भी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मौसमी बीमारियों का कहर वैसे ही इन दिनों बरप रहा है, तो वहीं अस्पतालों में मरीजों की खासी भीड़ लगी हुई है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों का इलाज पेड़ के नीचे किया जा रहा है, एक बेड पर 2-2 मरीज का इलाज हो रहा है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है, मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं। अस्पताल में मरीजों के पैर रखने तक की जगह नहीं है, जिससे मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। सीकर में ममता को शमशार करने वाला मामला सामने आया है। घटना इसके कल्याण अस्पताल की है, जहां सार्वजनिक शौचालय में नवजात बच्ची पड़ी मिली। महिलाओं ने शौचालय में बच्ची के पड़े होने की सूचना गार्ड को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बच्ची को ट्रॉमा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। फिलहाल बच्ची ठीक है, डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ के सावा गांव में दो अनाथ बालकों को बाल कल्याण समिति का सहारा मिला है और अब ये बच्चे पढ़ लिखकर अपने जीवन को संवार सकेंगे। ये बच्चे एक 7 साल के बुजुर्ग के हवाले थे जो खुद पत्थर उठाने का काम करती थी। ऐसे में मामले का पता लगने पर बाल कल्याण समिति ने दोनों बच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया। सड़क सुरक्षा जागृति अभियान को लेकर आरटीओ ने अहम फैसला किया है। आरटीओ के मिशन मीरा में महिला टैक्सी ड्राइवर तैयार की जाएंगी। ये महिला ड्राइवर मीरा टैक्सी के नाम से जानी जाएंगी। मिशन मीरा के तहत चुनी गई 27 महिलाओं को टेम्पो चालकों की समुचित ट्रेनिंग देगी तो अब शहर में आने वाली महिला पर्यटक खुद को ज्यादा सुरक्षित और सहज महसूस कर सकेंगी। राजसमंद से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। पानी के लिए तड़प रहे एक प्यासे पैंथर ने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक पतीले में सिर डाला तो उसका सिर पतीले में फंस गया। पैंथर के खौफ से लोग डर जाते हैं लेकिन बेबस हो गया और बदहवास हो गया ये पैंथर। पैंथर दर्द से छटपटाने लगा। आनंद फानन में वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन विभाग की टीम ने पैंथर को बेहोश करके उसके सिर से पतीला बाहर निकाला। अलवर के सरिस्का में रह रहे बाघों के रेडियो कॉलर खराब होने के बावजूद अब तक नहीं बदले गए हैं। 6 बाघ और शावकों को रेडियो कॉलर नहीं लगे हैं जिस वजह से बाघों की निगरानी में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि सरिस्का में अभी कुल 13 बाघ बाघिन मौजूद हैं जिनमें 9 बाघिन और 4 नर बाघ हैं। इनमें से 7 बाघों को रेडियो कॉलर लगाया गया था लेकिन बाघिन ST2 का रेडियो कॉलर पिछले 4 साल से खराब है। ST2 के 4 शावकों और ST10 के 2 शावकों को अभी रेडियो कॉलर नहीं लगाया गया है। कोटा से अच्छी खबर है। ये खबर उन छात्रों के लिए भी अच्छी है जो कोटा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए लाडपुरा पंचायत समिति के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अनूठी पहल की है। स्कूलों में विद्यार्थी साफ सुथरे आए, उनकी सभी जरूरतें पूरी हों इसके लिए हर शिक्षक को 6 बच्चों को गोद लेने यानी उन बच्चों की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए आदेश दिए गए हैं। देश का गौरव बढ़ाने वाले गूगल के नए सीईओ सुंदर पिचाई के ससुर होलाराम हरियाणी ने कोटा में दूसरी शादी कर ली। 75 साल के होलाराम हरियाणी ने 65 साल की माधुरी को अपना हमसफर चुना है। शादी के बाद दोनों बेहद खुश नजर आए। जिस तरह से पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती उसी तरह प्यार भी उम्र के बंधनों में नहीं बंधा है। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आपको कोई अच्छा लग जाता है और आप उसे अपना हमसफर बनाने की ख्वाहिश रखने लगते हैं। 65 साल की उम्र में गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के ससुर को कोटा की 65 साल की माधुरी से प्यार हो गया और प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। 23 सितंबर को दोनों ने कोटा में ही शादी कर ली। हम लोग जाते थे सत्संग पे और हवन वगैरह पे जाया करते थे। ये मेरे को देखा करती थी, पर दिन ऑब्जर्वेशन लिया कि इनका रहन सहन कैसा है, मेरा कैसा है। इनको मेरा व्यवहार, मेरा रहन सहन, मेरी बातचीत करने का तरीका काफी पसंद आया। दरअसल पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद होला राम और पहले पति की मौत के बाद माधुरी अकेली हो गई थी। दोनों फिलहाल कोटा में ही रह रहे हैं और यही सत्संग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। बातचीत आगे बढ़ी तो प्यार हुआ और फिर इजहार हुआ। बस फिर क्या था, दोनों ने जीवन के हर संघर्ष में एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला कर लिया। एक दूसरे को प्रपोज किया कि अगर एतराज न हो तो अपन जीवन साथी बन सकते हैं। इन्होंने कहा मैं जरा परिवार से संपर्क कर लूं। इन्होंने संपर्क किया, मैंने अपने परिवार से पूछा, दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, संयोग बन गया, शादी कर ली। फिलहाल शादी के बाद से ही दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं और इन्हें देखकर तो बस यही लगता है कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का बंधन। जब प्यार करे कोई तो केवल देखे मन। कोटा से समाचार प्लस के लिए नितिन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।